हमने शुमाल के रुख पर करीबन 4-5 फरलांग फासला तय ही किया होगा कि मुझे ट्रैक्टर के अकब नुमा आईने में एक कार की हिचकोले खाती रोशनियां नजर आईं। ये रोशनियां डेरे की तरफ से नमूदार हुई थी और तेजी से हमारे करीब आ रही थी। मेरे जिस्म में सनसनी फैल गई। मेरा दिल गवाही देने लगा कि रंगा और उसके साथी दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए हैं और ये रोशनियाँ उसी कार की हैं जो मैंने दरख्तों तले देखी थी। ये तश्वीशनाक सूरत हाल थी। वो 5 बंदे थे। अगर उनके पास राइफल भी थी तो वो हमें खातिर खान नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने ट्रैक्टर को टॉप गियर में रखकर एस्केलेटर पूरा दबा दिया। रफ्तार तेज हुई और ट्रैक्टर बुरी तरह उछलने कूदने लगा। सफिया ने लोहे की पाइप को बड़ी मजबूती से थाम रखा था। गाहे गाहे मैं भी उसे एक हाथ से सहारा दे देता। वो जख्म जख्म थी और करहा रही थी। वो खूबसूरत आवाज़ जो कानों में रस खोलती थी एक सिसकी बनकर रह गई थी। वो नगमा जो कभी बेशुमार दिलों की धड़कन था आहो बका के गिरदाब में था। उसे साल में पहुंचाने वाला कौन था? चौधरी वक्त की मोहब्बत थी। मोहब्बत जो औरत के सीने में कोपल की तरह फूटती है और फिर अमरबेल बनकर उसके तन मन को जकड़ लेती है। फिर नफा नुकसान, शोहरत, बदनामी, जिंदगी, मौत सब उस मोहब्बत के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। कार हर लहजा करीब आ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रफ्तार में ट्रैक्टर और कार का कोई मुकाबला नहीं था। फिर रास्ता मेरे लिए अजनबी था। ट्रैक्टर की कमज़ोर हेडलाइट्स में हम किसी भी वक्त किसी गढ़े में सिजदारेज हो सकते थे। अचानक एक धमाका हुआ और 303 की गोली सीटियाँ बजाती हमारे करीब से गुजर गई। वही हुआ जिसका डर था। हमारे ताकुब में आने वालों के पास राइफल थी। फायर उन्होंने यकीनन हमें धमकाने के लिए किया था। वो चाहते थे कि हम रुक जाएं, लेकिन रुकना हमारी मौत था। 1.5-2 मील दूर खेतों के दरमियान मुझे कुछ रोशनियाँ सी नजर आईं। मैंने ट्रैक्टर को एक कच्चे रास्ते पर डाल दिया और इन रोशनियों की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद करोना कार भी उसी रास्ते पर मुड़ गई। वक्फे वक्त से कार से मज़ीद 3 फायर हुए। उनमें से एक गोली ट्रैक्टर की बॉडी में भी लगी। 303 का फायर खासा ताकतवर होता है। ट्रैक्टर का टायर निशाना बनता तो हम बेदस्तोपा होकर रह जाते। कार अब सिर्फ 50-60 गज की दूरी पर थी। रफ्तार में हम बेशक नहीं जीत सकते थे, लेकिन ख़ास कस्म के रास्ते पर हमें बालादस्ती हासिल हो सकती थी। यही सोचते हुए मैंने ट्रैक्टर को खेतों में घुसा दिया। यहाँ चारे के खेत थे। कहीं कहीं फसल नहीं थी और खाली हल चलाए गए थे। ट्रैक्टर किसी बख्तरबंद गाड़ी की तरह उछलता कूदता डगमगाता आगे बढ़ता जा रहा था। कार भी पीछे आ रही थी, मगर अब खेतों की वजह से उसकी रफ्तार बहुत कम होकर रह गई थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कार किसी खड्डे या खाई में फंस जाए, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कार ने किसी न किसी तौर हमारा ताकुब जारी रखा। यह बड़ी आसाब शिकन दौड़ थी। कार वाले हम तक पहुंच जाते तो उनका पल्ला हर सूरत भारी रहता। मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक जख्मी औरत भी थी। जो देसी पिस्तौल मेरे पास था उसमें सिर्फ 4 गोलियां थीं, जिनमें से 2 मैं रंगे पर चला चुका था। यकायक मुझ पर एक ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ। हमारा रुख लाल कोठी की तरफ था। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो हम लाल कोठी से सिर्फ 3-4 फरलांग दूर ही रह गए थे। मैंने सफिया को मजबूती से बैठने की हिदायत की और ट्रैक्टर की रफ्तार कुछ और तेज़ कर दी। वो हाय हाय कर रही थी। किसी वक्त उसके होठों से बेसाख्ता चीख निकल जाती थी। अचानक सफिया को भी अंदाज़ा हो गया कि हम लाल कोठी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो करहा कर बोली, हम तो लाल कोठी की तरफ जा रहे हैं। बस इत्तेफाकन ऐसा हो गया। लेकिन कुछ नहीं, अगर इन लोगों से पीछा छुड़ाना है ना तो फिर लाल कोठी की तरफ ही जाना होगा। लेकिन वहाँ ज़ीशान होगा। चौधरी साहब भी तो वापस आ चुके हैं, वो संभाल लेंगे सब कुछ। इतने में ज़ोरदार धमाका हुआ और एक गोली हमारे सर ऊपर से सनसनाती हुई गुजर गई। हम दोनों के सर खुद ब खुद नीचे झुक गए थे। कार वाले हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उन पर झल्लाहट सवार होती जा रही थी। जूं ही खेत खत्म हुए और हम दोबारा नीम पुख्ता रास्ते पर आए, रंग वाली गांव के मकानात सामने नजर आने लगे। ट्रैक्टर पूरी रफ्तार से लाल कोठी की तरफ बढ़ रहा था। अभी हम लाल कोठी से 1 फरलांग दूर थे कि ताकुब में आने वाली करोना मेरी नज़रों से ओझल हो गई। यकीनन वो किसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई थी या वापस चली गई थी। मैं ट्रैक्टर को सीधा लाल कोठी के मेन गेट पर ले गया। रखवाली के कुत्ते ज़ोरों शोर से भौंकने लगे और 2 मुसल्ला अफराद भागते हुए मुझ तक पहुंच गए। सफिया ने अपना मुंह और सर गर्म चादर में छुपा लिया था। एक शख्स ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, कौन हो तुम? दूसरे पहरेदार ने मुझे पहचान लिया। ओहो जी, आप इस वक्त? मैंने पूछा, चौधरी साहब कहाँ हैं? अंदर ही हैं जी। और चौधरी जीशान?
वो तो जी हवेली में नहीं है। अच्छा ठीक है, गेट खोलो और चौधरी साहब को मेरे आने की इत्तला दो, इमरजेंसी काम है। पहरेदार ने कुछ तजबजब में रहने के बाद असबात में सर हिलाया और गेट खोल दिया। मैं ट्रैक्टर समेत अहाते के अंदर दाखिल हो गया। एक बार फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बरामदे के साथ साथ लगे हुए पौधों पर टपाटप पानी बरसने लगा। ट्रैक्टर की गरजदार आवाज़ सुनने के बाद दो तीन और मुलाजिम भी कोने खुदरों से नमूदार हो गए थे। वो सब मुझे पहचान चुके थे, लेकिन सफ़िया चादरपोश होने के सबब उनकी निगाह से ओझल थी। पुरदरजसूस नज़रों से वो उसे देख रहे थे, मगर अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मुझसे उसके बारे में पूछता। एक पहरेदार ने हमें बरामदे में रखी कुर्सियों पर बिठाया, दूसरा चौधरी साहब की तरफ चला गया। अभी रात ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ 8 ही बजे थे। यकीनी बात थी कि चौधरी साहब जाग रहे होंगे। कुछ खबर नहीं थी कि अब चौधरी की हालत कैसी है। यह भी पता नहीं था कि चौधरी को सफ़िया की गुमशुदगी का इल्म है या नहीं। ऐन मुमकिन था कि बीमारी की वजह से चौधरी को सफ़िया के बारे में बेखबर रखा गया हो। जहाँ तक सफ़िया की गुमशुदगी का ताल्लुक था, तो ये बात यकीनी थी कि सबसे ज़्यादा परेशानी ज़ीशान को ही होगी। अगर सफ़िया के साथ तहखाने में इंसानियत सोच सलूक कराने वाला वही था, तो फिर उसकी बका इसी में थी कि सफ़िया तहखाने में ही मर खप जाती। उसका लाल कोठी से निकल भागना ज़ीशान के लिए शदीद खतरात और बदनामी का बायस था। यकीनी बात थी कि ज़ीशान के हरकारे पूरे इलाके में सफ़िया को ढूंढते फिर रहे होंगे, और यह भी मुमकिन था कि वह ख़ुद भी इसी चक्कर में निकला हो। अगर चौधरी वक्त को सफ़िया के लापता होने के बारे में बता दिया गया था, तो फिर यकीनन उस पर बहुत सी इल्ज़ाम तराशियाँ भी की गई होंगी। बाअल्फाज़े दीगर, ज़ीशान ने सफ़िया को चौधरी की नज़रों से गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। बहरतौर इन सारी बातों का पता तो चौधरी से मिलने के बाद ही पता चल सकता था। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार था। मैंने तहैया कर लिया था कि अगर काली या ज़ीशान कि किसी और कारिंदे ने सफ़िया को हवेली में किसी तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो मैं उसे आड़े हाथों लूँगा। करीबन 5 मिनट के बाद चौधरी बख्त की तरफ जाने वाला शख्स वापस आ गया। उसने बताया कि चौधरी साहब अपने कमरे में हैं और उन्होंने आपको वहीं बुलाया है। मैं खड़ा हो गया, लेकिन सफ़िया अपनी जगह जमी बैठी थी। उसने अपना चेहरा एक तवील घूंघट में छुपा रखा था। घूंघट लरस रहा था और पूरा जिस्म भी जुम्बिश में था। वो बेआवाज़ रो रही थी। मुसल्ला शख्स ने पूछा, आपके साथ ही बीबी जी कौन है? इनके बारे में मैं चौधरी साहब को ही बताऊँगा। चलो उठो, मैंने सफ़िया को शानों से पकड़कर उठाते हुए कहा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने बमुश्किल उसे खड़ा किया और सहारा देकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सफ़िया के जब्त का बंधन टूट गया। वो बेआवाज़ बुलंद रोने लगी। पूरे जिस्म में तलातुम बरपा हो गया। मालूम नहीं किसी मुलाजिम ने उसकी आवाज़ पहचानी या नहीं, लेकिन सब चौंक ज़रूर गए थे। मैं सफ़िया को करीबन खींचता हुआ एक राहदारी से गुजरा और चौधरी वक्त के कमरे में पहुँच गया। ये कमरा बरामदे के करीब ही था। चौधरी वक्त गांव तकिए से टेक लगाए बैठा था और उसके करीब तपाई पर दवाएं वगैरह रखी थी। पालतू बिल्ली उसकी बगल में घुसी बैठी थी। मुझे और सफ़िया को देखकर वो बुरी तरह ठिटक गया। मुझे उसकी आंखों में हैरत की फरावानी नजर आई। उसने सफ़िया को आवाज़ से पहचान लिया था। कुछ देर सकते की कैफियत में रहा और फिर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। सफ़िया चौधरी की तरफ देखे बगैर औंधे मुँह बिस्तर पर गिर पड़ी और धाड़े मार मार कर रोने लगी। चौधरी ने एक नज़र मेरी तरफ़ देखा, फिर आगे बढ़कर सफ़िया के चेहरे से चादर हटा दी। यकीनन एक शदीद हैरत ने उसको सरतापा जकड़ लिया होगा। सफ़िया एक दिलकश इमारत के बजाय बर्बाद शुदा खंडर नज़र आ रही थी, और इस इमारत को खंडर बनने में बरसों नहीं लगे थे, सिर्फ हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही लगा था। तुम कहाँ चली गई थी? चौधरी अजीब से फटे फटे लहजे में बोला। सफ़िया ने रोने के अलावा कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? चौधरी ने शानों से पकड़कर उसको झिझोड़ा। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उसकी तेज़ निगाह का मतलब समझते हुए कमरे से बाहर आ गया। एक मुलाजिम दरवाजे से कुछ फासले पर चौकस खड़ा था। वो मुझे वापस ड्राइंग रूम में ले आया। सफ़िया चौधरी के पास पहुंच गई तो मुझे किसी हद तक इत्मीनान हो गया। फिर भी मेरी फ़िक्रमंदी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। मैं सफ़िया के करीब ही रहना चाहता था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की खोल ली और सोफे पर ऐसे जाविये से बैठ गया कि चौधरी के कमरे का दरवाज़ा मुझे नज़र आता रहे और अंदर आने जाने वाले हर शख्स पर मेरी नज़र रहे। इसी दौरान मैं एक मुलाजमा चाय ले आई। खुश जायका सब्ज़ चाय इस हवेली में बड़ी कसरत से इस्तेमाल की जाती थी। चाय लाने वाली मुलाजमा पंजाबी लिबास में थी, और ये लिबास चमकदार उसी लिबास से मिलता जुलता था जो हमारी पंजाबी फिल्मों में नज़र आता है। पंजाब की सकाफत तो कभी किसी पंजाबी फिल्म में नज़र नहीं आती, लेकिन अब फिल्मों की सकाफत पंजाब में नज़र आने लगी है।
چائے پینے کے بعد میں صوفے کے ہتھے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، میں 48 گھنٹے سے سویا نہیں تھا۔ ایسے میں بندے کو اونگ آ ہی جاتی ہے، لیکن میں جس قسم کی صورتحال میں یہاں آیا تھا، مجھے اونگ بالکل نہیں آنی چاہیے تھی۔ ویسے یہ اونگ بھی عجیب طرح کی تھی۔ بالکل آخری وقت پر مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن یہ احساس ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو صوفے کے بجائے کسی نہایت سخت چیز پر میں دراز تھا۔ فوراً ہی اندازہ ہوا کہ ٹھٹرا ہوا فرش ہے۔ میرا سر منو بھاری ہو رہا تھا، زبان پر جیسے ابھی تک سبز چائے کی مٹھاس موجود تھی۔ مجھے یاد آیا کہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں نے سبز چائے پی تھی اور اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ صفیہ کا خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لہرایا اور میں نے اٹھنا چاہا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ہاتھ پاؤں بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں اور سن ہو رہے ہیں۔ کیا صفیہ کی طرح میں بھی ذیشان کے دستے ستم کا شکار ہو گیا ہوں؟ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا اور نکل گیا۔ میری تمام تر توجہ ایک دم ایک لرزہ خیز چیخ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ چیخ میرے بائیں جانب سے بلند ہوئی تھی۔ سیکنڈ کے دسویں حصے میں میں پہچان گیا کہ یہ صفیہ کی چیخ ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور سکتے میں رہ گیا۔ یہ ایک تہخانہ تھا، ویسا ہی تہخانہ جس میں 10-15 روز پہلے میرے اور ذیشان کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی تھی۔ تہخانے کی سیلن زدہ چھت پر ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی زرد روشنی میں مجھے صفیہ نظر آ رہی تھی۔ وہ چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں جو پہلے سے زخمی تھے نائلون کی رسی سے جکڑے ہوئے تھے، اور یہ رسی چھت کے آہنی کنڈے میں سے گزار کر ایک گول ستون کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ شلوار کھسک جانے سے اس کی نصف پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں۔ تاہم قمیض کو اس طرح گرا دی گئی تھی کہ الٹا لٹکے ہونے کے باوجود اس کا پیٹ اریا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے زخم ہاتھ دونوں طرف لٹک رہے تھے۔ ایک عورت کی یہ تذلیل جگر چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے سیاہ چہرہ کالی کو دیکھا۔ وہ عہد قدیم کے کسی گونگے بہرے جلاد کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لیے کھڑا تھا۔ اسی ہنٹر کی بے رحم ضرب نے صفیہ کو پاگلوں کی طرح چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کالی نے ایک بار پھر ہنٹر لہرایا اور صفیہ ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح چیخی۔ وہ پکارنے لگی، چودھری صاحب، چودھری صاحب، مجھے بچا لو، ہائے میں مر گئی۔ چودھری صاحب، میں مر گئی؟ کالی کے ہونٹوں سے تنزیہ سرگوشی برآمد ہوئی۔ چودھری صاحب، تجھے اس وقت یاد نہیں آئے تھے جب اسی چھت کے نیچے تو بدکاری کر رہی تھی؟ جاں بلب ہونے کے باوجود صفیہ بدکاری کا تانا برداشت نہ کر سکی۔ وہ اپنے جسم کی رہی صحیح توانائی سمیٹ کر چیخی، بکواس بند کر کتے، میں تیری زبان کھچوا دوں گی، میں تیری۔ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی اور چیخ بن کر رہ گئی۔ کس سے کھچوائے گی زبان؟ چودھری صاحب سے، کالی دانت پیس کر بولا۔ پھر ذرا توقف کر کے وہ بولا، وہی ہیں تجھے یہاں لٹکوانے والے، پچھلی دفعہ بھاگ گئی تھی، اب نہیں بھاگ سکے گی، یہیں پر سڑے گا تیرا مردہ۔ اس نے ہنٹر کی ایک اور ضرب صفیہ کے جسم پر رسید کی۔ صفیہ کے حلق سے کرب ناک چیخ نکلی اور پورے تہخانے میں گونج گئی۔ شاید ایسی ہی ایک چیخ میرے اندر بھی بلند ہوئی تھی اور میرے جسم میں گونجی تھی۔ یہ چیخ ایک سوالیہ شکل میں تھی، کیا واقعی جو حقیقت میں نے سنی ہے وہی ہے؟ کیا واقعی صفیہ کو زندہ درگور کرنے والا ذیشان نہیں، چودھری بخت ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میرے اندر سے ہی آیا، اور یہ جواب اثبات میں تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ کالی نے جو انکشاف کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ صفیہ اب تک دھوکے میں رہی تھی۔ جس محبت کو وہ اپنا ایمان سمجھتی تھی وہ شک و شبہ کی تیز آندھی میں اڑ چکی تھی، اور ایک صفاق چودھری سرتاپا اتاب بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صفیہ کی چیخوں نے مجھے میرے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ بین کرنے والے انداز میں کہہ رہی تھی، تو جھوٹ بولتا ہے، چودھری صاحب ایسا نہیں کر سکتے، تو جھوٹا ہے، فریبی ہے۔ کالی نے صفیہ کی گردن میں ہنٹر لپیٹی اور گلا گھونٹنے لگا، ساتھ ساتھ ہی وہ سر پر گھٹنے کی زوردار ضربیں بھی لگا رہا تھا۔ ہر ضرب پر صفیہ کا جسم جھٹکا کھاتا تھا اور اس کے حلق سے غیر انسانی چیخ نکل جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر یہ بدقسمت عورت بچ بھی گئی تو اس کا دماغ ضرور خراب ہو جائے گا۔ ایک پانی جیسی قے اس کے حلق سے نکلی اور فرش کو بھگو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اچانک خاموشی چھا گئی۔ صفیہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا جسم میرے سامنے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ جلاد نما کالی ایک جگ میں پانی لے آیا اور بے ہوش صفیہ کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ وہ اسے اذیت پہنچانے کے لیے اس کے ذہن کو پھر سے بیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اب مجھے بھی ہوش میں آ جانا چاہیے۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ کالی ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ صفیہ کو نظر انداز کر کے وہ میری طرف بڑھا۔
क्या तकलीफ है? उसने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। मुझे बड़े जोर का पेशाब आया है। काली ने गाली दी और मेरे पेट में जोरदार ठोकर रसीद की। करा लेता हूँ तुझे पेशाब भी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी करो। वो गालियाँ बकने लगा और मेरे सर पे पै दर पै कई ठोकरें मारी। फिर वो भिन्नाया हुआ तहखाने की सीढ़ियों की तरफ चला गया। अंदाज से जाहिर था कि किसी को बुलाने गया है। पेशाब तो मुझे आ रहा था लेकिन कोई ऐसी जल्दी भी नहीं थी। मैं चाहता था कि वो मेरी सारी बंदिशें खोले और टॉयलेट तक ले जाए। जाहिर है ये काम उन्होंने राइफल के जेर साया ही करना था। फिर भी मुझे हाथ पांव चलाने का कोई मौका मिल ही सकता था। टॉयलेट इस तहखाने के अंदर ही एक नीम तारी गोशे में वाक़ था और नलके से किसी बाल्टी में कतरे गिरने की मध्यम आवाज़ में सुन रहा था। बहरहाल मेरी तवक्को पूरी नहीं हुई। मुझे वहीं लेटे लेटे पेशाब करा दिया गया। इस मकसद के लिए वही छोटा सा पॉट इस्तेमाल हुआ जो अस्पतालों में होता है। तहम इस कार्रवाई का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। करमदीन से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे पेशाब कराने वाला करमदीन ही था। काली की मौजूदगी के सबब वो बेहद डरा सहमा और खामोश था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। करमदीन चला गया तो थोड़ी देर बाद काली भी तहखाने से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने सर के बल झूलती सफिया को फर्श पर उतार दिया था और उसके हाथ पांव खोल दिए थे। तहम अब पांव की जगह उसके हाथों को कैद भुगतना पड़ी थी। एक आनी हथकड़ी से उसके हाथ पुश्त पर जकड़ दिए गए थे। वो नीम बेहोश थी। बेखबरी की हालत में कभी कभी उसके होठों से एक दिल दोज हाय निकल जाती थी। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि सफिया को इस तहखाने से जिंदा निकलना नसीब नहीं होगा और इसके साथ साथ मुझे भी कत्ल करके मुद्दा गायब करने की कोशिश की जा सकती है। दरहकीकत मुझे शुरू से ही चौधरी वक्त के किरदार पर शक था। यही वजह थी कि मैंने सफिया को होशियार किया था। मैंने कहा था कि वो ज़ीशान के हाथों अपनी जिल्लत की रुदा चौधरी वक्त को ना सुनाए। चौधरी एक रिवायती वडेरा है, ये ना हो कि वो इसे किसी जुर्मे बेगुनाही में पकड़ लें। सफिया ने बड़े यकीन से कहा था कि वो 10 साल से चौधरी को जानती है। आज उसका यकीन टुकड़े टुकड़े हो गया था। मुमकिन था कि वह हंटरों की मार से ही बेहोश हुई हो, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वह उस जानकार खबर के सदमे से बेहोश हुई है जो काली ने उसे सुनाई है और जिसमें चौधरी बख्त के असल रूप का जिक्र है। बेहोशी के बाद मेरी मुकम्मल तलाशी ली गई थी। पिस्तौल, नकदी, घड़ी सब कुछ ले लिया गया था। घड़ी ना होने के सबब मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि क्या वक्त है और मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ। 1.5-2 घंटे मैंने इसी हालत में गुजार दिए। तब एक बार फिर दरवाजे पर आहट हुई और मैंने करमदीन को देखा। वो खाने के चंगेज़ लिए अंदर दाखिल हुआ था। पहले वो सफिया के पास रुका लेकिन जब देखा कि वो आंखें बंद किए बेसुध पड़ी है तो वो मेरी तरफ चला आया। चंगेज़ में तंदूर की रोटियां थीं और आलू मेथी का सालन था। करमदीन ने चंगेज़ मेरे पास रख दी और आलती पालती मारकर बैठ गया। गालिबन उसकी ड्यूटी ये थी कि वो मुझे हाथ खोले बगैर खाना खिलाए। मैंने कहा कि वो खाना एक तरफ हटा दे, मेरा दिल मतला रहा है। करमदीन ने चंगेज़ एक तरफ हटा दी। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, ये सब क्या हो रहा है करमदीन? उसने मोहतात नज़रों से इधर उधर देखा और फिर बोला, यहाँ लाल कोठी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है मास्टर जहानी, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तुम्हें भी नहीं पता? सारा पता तो मुझे भी नहीं, लेकिन दूसरों से कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी ड्यूटी इस तहखाने में लगाई गई है। मसलन क्या जानते हो तुम? बहुत कुछ, और शायद कुछ भी नहीं। यार पहलियाँ मत बुझवाओ मास्टर जहानी, लाल कोठी के मुलाजमों को सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है, वरना आप जानते ही हैं इस हवेली में कितने तहखाने हैं। कोई सारी उम्र भी सर टकराता रहे तो जान ना सके कि गायब होने वाला मुलाजिम कहाँ गया और उसके साथ हुआ क्या। मतलब तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे? ये मैंने कब कहा मास्टर? आपकी खातिर मेरी और मेरी बीवी की जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, अगर जान जाने का मामला है तो फिर मत बताओ। वो कुछ देर खामोश रहा फिर बोला, चौधरी ज़ीशान का अपने एक दोस्त मलिक नाजिम से किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। मलिक नाजिम गायब है और चौधरी ज़ीशान भी, दोनों के गायब होने से मसला खड़ा हो गया है। मलिकों का घराना कहता है कि ज़ीशान ने मलिक नाजिम को अगवा करा दिया है। चौधरी वक्त साहब कह रहे हैं कि मलिक नाजिम ने ज़ीशान को गायब किया है। दोनों धड़ों में ज़बरदस्त खींचातानी हो रही है। मलिकों के बंदे जगह जगह चौधरी ज़ीशान को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन असल बात कुछ और है जी। आखिरी अल्फाज कहते कहते करमदीन ने आवाज़ धीमी कर ली और मेरे कुछ मजीद करीब खिसक आया। चौधरी ज़ीशान लाल कोठी में नहीं है, नारंग वाली में है, बल्कि वो इस मुल्क में ही नहीं है। क्या मतलब? चौधरी बख्श साहब ने उसे इंग्लैंड भिजवा दिया है। मेरी बीवी नूरी ने सब कुछ अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। ये कब की बात है? कोई एक हफ्ता पहले की जी। जनान खाने के कमरे में चौधरी बख्त और ज़ीशान में बातें हो रही थी।
चौधरी ज़ीशान का एक बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था। चौधरी बख्श चौधरी ज़ीशान पर सख्त गुस्सा थे, यहाँ के उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारे, वरना तो उनमें बड़ा सुलूक था। मुझे तो डर है कि कहीं मलिक नाज़िम छोटे चौधरी के हाथों कतल ही ना हो गया। बहरहाल चौधरी साहब ने छोटे चौधरी साहब को कुछ कागजात दिए और कहा कि उसका पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह है, वो इसी वक्त पाकिस्तान से दफ़ा हो जाए और आइंदा उन्हें अपनी सूरत ना दिखाए। छोटा चौधरी इसी रोज़ यहाँ से चला गया था। करम दीन की इत्तला वाकई हैरान कुन थी, मगर मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं इस सारे वाक़े का पस मंज़र जानता था। मैंने करम दीन को टटोलने के लिए पूछा, लेकिन यार ये बेगम साहिबा का क्या मामला है? वो बोला, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा जी, आप ही तो उन्हें लेकर आए हैं। भाई ये तो मुझे एक डेरे पर मिली है, वहाँ कुछ लोगों ने उसे कमरे में बंद कर रखा था, उनका ख्याल था कि बेचारी का दिमाग ठीक नहीं, मैं छुड़ा कर यहाँ ले आया। करम दीन की आंखों में गहरी उलझन और तशवीश के आसार थे। वो बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पता नहीं हवेली में क्या खिचड़ी पक रही है। मैंने आपको बताया है ना कि चौधरी बख्श साहब का गुस्सा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह हर किसी को उस गुस्से से बचाए। हाँ कहा तो था तुमने, बस आप देख लें उस गुस्से का नतीजा। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने चौधरी साहब को हमेशा बेगम साहिबा से हंसकर बात करते देखा है, अब लगता है कि बेगम साहिबा पर इन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आया। लेकिन अब देखें वो कितने बेरहम हो गए हैं, सब कुछ देखते हुए भी दिल को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। मैं तो दिन में 2-3 बार रोया हूँ, पता नहीं अल्लाह ताला बंदे के मुकद्दर में इतनी तकलीफ़ क्यों लिख देता है। फिर इतनी तकलीफ़ के बाद ज़िंदगी मिल जाए तब भी है, अगर तड़प तड़प कर भी मौत ही लानी है तो फिर। करम दीन का गला रुंध गया और वह चुप हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि बेगम साहिबा की यह हालत चौधरी बख्त के कहने पर ही की गई है? वो यकीन ना करने वाली कोई गली नहीं है जी, अभी आपके होश में आने से पहले चौधरी साहब खुद यहाँ आ चुके हैं, वही काली को सारी हिदायतें देकर गए थे, इनके जाने के थोड़ी देर बाद काली बेगम साहिबा को यहाँ ले आया था। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे बेगम साहिबा के मामले और मलिक नाजिम वाले मामले में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, अगर ऐसा ना होता तो ये सब कुछ एक साथ ही क्यों होता। मैं जानता था कि करम दीन जो अंदाज़ा लगा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक ही सिलसिले की कड़ियाँ थीं। चौधरी ज़ीशान ने सफ़िया से ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम किया था, इस ताल्लुक़ की खबर ज़ीशान के लंगोटिए दोस्त मलिक नाजिम को भी थी। बाद में जब रुपए के लेन देन पर ज़ीशान और नाजिम में तनाज़ा पैदा हुआ तो नाजिम सफ़िया वाले मामले पर ज़ीशान को ब्लैकमेल करने लग गया। इस ब्लैकमेलिंग की वजह से तनाज़ा इतना बढ़ा कि नाजिम ज़ीशान के हाथों कत्ल हो गया। बड़े चौधरी बख्त के लिए नाजिम का कत्ल होना इतना अहम नहीं था जितना इस कत्ल की बुनियादी वजह अहम थी। बुनियादी वजह सफ़िया और ज़ीशान का ताल्लुक था, इस ताल्लुक का इल्म होने पर चौधरी के दिलो दिमाग में जलजले पपा हो गए थे। सफ़िया उसकी बीवी नहीं थी लेकिन बीवी से कुछ कम भी नहीं थी, उसके साथ ज़ीशान का ताल्लुक चौधरी को नीम पागल बना गया था। रिवायती चौधरीयों की तरह उसने अपने सर को खून चढ़ा लिया था, चाहिए तो यह था कि वह अपने भाई को कत्ल करता जिसका यह सब किया धरा है, लेकिन भाई को कत्ल करना आसान नहीं था और वैसे भी भाई वडेरा था और वडेरे तो पैदा ही ऐसे कामों के लिए होते हैं। चौधरी बख्त का सारा कहर उस औरत पर टूटा था जो चौधरी से मोहब्बत करती थी और जो सारे मामले में बिल्कुल बेकसूर थी। उसने अपने भाई को मार पीट कर और लान तान करके मुल्क बदर कर दिया था, मगर सफ़िया को बदकार करार देकर काली के हवाले कर दिया ताकि वह उसे अकूबत खाने में ले जाए और सिसका सिसका कर जान ले ले। क्या बेहतरीन इंसाफ किया था चौधरी ने। करम दीन बड़ी दुखी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था लेकिन उसकी निगाहें कह रही थीं कि वो मेरी सलामती की तरफ से हद दर्जा मायूस हो चुका है। मैं इस तहखाने में था और मेरे सामने सफ़िया बेगम को तरसा तरसा कर मारा जा रहा था, इसका मतलब यही था कि सफ़िया की तरह मुझे भी तहखाने से ज़िंदा निकलना नसीब नहीं होगा। मगर सवाल यह था कि चौधरी बख्त ने मुझे मारने का इरादा क्यों किया था? मैंने तो अभी तक इस वादे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी जो मेरे और चौधरी के दरमियान हुआ था। मैंने लाहौर जाते हुए चौधरी से यह गैर मशरूत वादा किया था कि लाल कोठी में पेश आने वाले तमाम वाकयात को अपने सीने में दफन कर लूँगा और अभी तक मैं इस वादे पर कायम था। सियालकोट मेरा वापस जाना भी मजबूरी के तहत था, मैं अपना रिवॉल्वर यहाँ भूल गया था, वही लेने आ रहा था कि रास्ते में इत्तेफाकन सफ़िया से और सफ़िया को पकड़ने वालों से मुलाकात हो गई थी। मेरा यह बयान बड़ा ठोस और असरंगेज था लेकिन चौधरी ने तो सिरे से कोई बयान लेने की कोशिश ही नहीं की। आनन फानन इस यखबस्ता तहखाने में मुझे पहुंचा दिया गया था। चौधरी का यह रवैया मेरे लिए नाकाबले फहम था। करम दीन ने अफसोस के लहजे में कहा, मास्टर जहानी मुझे नहीं मालूम यहाँ बेगम साहिबा के साथ और आपके साथ क्या कुछ पेश आने वाला है, काश मैं इस काबिल होता कि आपकी कोई मदद कर सकता।
वो कुछ देर चुप रहने के बाद फिर आहिस्तगी से बोला, अगर आप कहें तो मैं ये सालन वाली प्लेट यहाँ छोड़ जाता हूँ। वो क्यों? इसका किनारा एक तरफ से बहुत पतला है, बिल्कुल चाकू की तरह। आप कोशिश करते रहें तो आपके हाथों की रस्सी कमज़ोर पड़ सकती है। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूंगा। इसी दौरान एक अजीब गूंजदार सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ बहुत धीमी लेकिन महीप सी थी, जैसे फर्श पर कोई भारी चीज़ घसीटी जा रही हो। मैंने सवालिया नज़रों से करमदीन की तरफ देखा। वो बोला, शायद बारिश तेज़ हो गई है। लेकिन यह आवाज़ बारिश की नहीं लगती थी। खुद करमदीन को भी यकीन नहीं था कि यह बारिश की आवाज़ है। बारिश कितनी भी तेज़ होती, तहखाने तक उसकी आवाज़ कैसे पहुँच सकती थी। करमदीन ने बर्तन समेटे और उठकर बाहर निकल गया। जाते जाते वो ये मुझे इत्तला भी दे गया कि रात के 9 बज चुके हैं। मैं अपनी जगह खामोश बैठा रहा और सफिया के बेहरकत जिस्म को देखता रहा। गूंजदार आवाज़ मुसलसल आ रही थी, कभी मध्यम पड़ जाती, कभी तेज़ हो जाती। यूं लगता था जैसे तहखाने की छत पर से कोई भाग कर गुजर रहा हो, कभी किसी वजनी शय के घसीटे जाने का शोर उभरता। मैं इन आवाज़ों को कोई मायने ना पहना सका। धीरे धीरे मेरा ध्यान सफिया पर मरकूज हो गया। मैं पहलू के बल हो गया और घिसटता हुआ सफिया के पास पहुंच गया। उसे करीब से देखकर दिल में हूक सी उठी। बल्ब की जर्द रोशनी में वो काबिले रहम नजर आती थी। सर मुंडा हुआ था, अबरो गायब थे, दोनों होठ सूझकर नहायत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुके थे। मैं हाथ लगाए बगैर ही जान सकता था कि उसकी नाक की हड्डी टूट चुकी है। उसकी एक आंख फूल कर कुप्पा हो चुकी थी, ज़ाया हो चुकी थी या ज़ाया होने वाली थी। मैंने अपनी थोड़ी की मदद से उसका शाना बार बार हिलाया तो उसकी ठीक आग के पपोटे में हरकत पैदा हुई। वो खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। चौधरी साहब, आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? मैं चौधरी नहीं हूँ, मैं शाहजहान हूँ। वो मेरी आवाज़ सुनकर भी नहीं सुन रही थी। उसके होंठ फिर हिले। चौधरी साहब, आपने खाना खा लिया? सर्दी बड़ी है, नूरी से कहती हूँ अंडा उबाल देती है आपको। यूं लगा जैसे वो अपने नातवा जिस्म को समेटकर उठने की कोशिश कर रही है। ये एक नाकाम कोशिश थी, वो कहाँ उठ सकती थी। मेरा सीना गम की शिद्दत से जल उठा। वहशियाना तशद्दुद का शिकार होकर वो अपने हवास खो रही थी। ये कैसा इनकलाब था इस बदकिस्मत की ज़िंदगी में। वो एक खूबसूरत खुश लिबास औरत थी। वो अपने चौधरी साहब के लिए खुद को सवारा करती थी, होंठों पर सुर्खी और आंखों में काजल लगाती थी, हाथों में गजरे और पाँव में पाजेब पहनती थी। आज उसके जिस्म पर चौधरी के दिए हुए जख्मों के सिवा और कुछ नहीं था, और वो फिर भी चौधरी का नाम ले रही थी। अपनी ही कैद में लिथड़ी हुई वो कितनी बदसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो मुझे पहले की तरह हसीन ही नज़र आई। मैं उसके करीब एक गोल सुतून से टेक लगाकर बैठ गया। सख्त तलाशी के बावजूद मेरी पिंडली से बंधा हुआ रामपुरी खंजर महफूज रहा था। यही वजह थी कि मैंने करमदीन की तरफ से किसी तरह का तावन कबूल नहीं किया था। खामखा करमदीन को चौधरी का मुजरिम बनाना ठीक नहीं था। मेरे हाथ पुश्त पर बंधे थे। थोड़ी सी कोशिश करके मैंने ये खंजर तक पहुँचाए और उसे गलाफ में से खींच लिया। खंजर को एक ख़ास तकनीक से हाथ में लेकर कलाइयों की रस्सी काटने का तजुर्बा मैं एक दो बार पहले भी कर चुका था। मैं इस तजुर्बे को फिर दोहराने लगा। खंजर की धार बड़े हल्के अंदाज में लेकिन मुसलसल नायलॉन की रस्सी से रगड़ खाने लगी। करीबन 1.5 घंटे तक मैं मुसलसल मसरूफ रहा। फिर मैंने दोनों हाथ आपस में पेवस्त करके जोर लगाया। तड़ तड़ की आवाज़ से रस्सी कई जगह से टूट गई। मैं कलाइयों को मसलकर उंगलियों हाथों में खून की रवानी बहाल करने लगा और जल्दी जल्दी फिर मैंने पाँव भी खोल लिए। सफिया जख्मी आवाज़ में पानी पानी पुकार रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसे उठाकर दीवार के सहारे बिठा सकूं। जब मैंने उसे उठाने के लिए कंधों के नीचे हाथ डाला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पीने के लिए पानी नहीं मांग रही, बल्कि ये बता रही है कि उसके नीचे पानी है। मैं जिस जगह पर बैठ रहा था वो जगह आम फर्श से 5-6 इंच बुलंद थी, लिहाजा मुझे पता नहीं चला था कि तहखाने के फर्श का कुछ हिस्सा गीला हो चुका है। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि टॉयलेट का नलका खुला है और वहाँ का पानी बाहर चला आया है, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि पानी सीढ़ियों की तरफ से आ रहा था, शायद भारी भरकम दरवाजे की निचली दरस से आ रहा था। वो गूंजदार आवाज़ जो कुछ देर पहले तक सुनाई देती रही थी अब खामोश हो चुकी थी, लेकिन यह खामोशी भी कुछ अजीब सी थी, कोई अनोखापन था सुकूत में। मेरी छठी हिस मुझे किसी खतरे से खबरदार करने लगी। मैंने अपने
مفلوج پیروں کو حرکت دی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی میں تہخانے کے دروازے سے 7-8 زینے دور تھا کہ کڑکڑاہٹ سنائی دی، جیسے لکڑی ٹوٹی ہو یا کہیں سے دروازے کے پیچ اکھڑے ہوں۔ پھر جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دروازہ ایک دھماکے سے اکھڑا اور میرے قریب سے اڑتا ہوا تہخانے کے فرش پہ جا گرا۔ دروازے کے پیچھے ایک آبشار تھا، پانی کا ایک طوفانی ریلا جو بے انتہا تندی کے ساتھ تہخانے میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس 8 فٹ بلند ریلے کی منہ زور ضرب نے مجھے سیڑھیوں سے لڑکا کر فرش پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی تہخانہ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر پہلے سنی ہوئی نامانوس آواز میری سماعت میں گونجی۔ مجھ پر اچانک انکشاف ہوا کہ چودھری بخت کی لال کوٹھی سیلابی پانی میں ڈوبی ہے۔ تاریکی چھاتے ہی صفیہ زور زور سے چلانے لگی۔ تہخانے میں پانی کے گرنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ بے حد پرشور تھی، جیسے کوئی بہت بڑا آبشار زبردست گونج پیدا کر رہا ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہ تصور نہایت ہی لرزہ خیز تھا کہ لال کوٹھی سیلابی پانی میں ڈوب رہی ہے اور اب یہ پانی تہخانے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ 100% موت کی آمد تھی۔ یہ پانی نہیں، فرشتہ اجل کی لپیٹ تھی جس سے بچ نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صفیہ کی چیخیں تہخانے میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ میں نے اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلائے اور بلا آخر صفیہ تک پہنچ گیا۔ چند ہی سیکنڈ میں فرش پر قریباً 1 فٹ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی تھی۔ صفیہ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتی۔ میں نے اس کے بازوؤں کے نیچے ہاتھ ڈالے اور اٹھا کر سیڑھیوں تک لے آیا۔ چودھری صاحب، میں مر گئی۔ ہائے چودھری جی، میں مر گئی۔ وہ مسلسل اسی فقرے کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ میں نے 5-6 زینے طے کیے اور رک گیا۔ دروازے میں سے اندر داخل ہونے والے پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میں اس کے آگے سے نہیں جا سکتا تھا۔ صرف چند سیکنڈز میں فرش پر جمع ہونے والا پانی پھر ہمارے پاؤں تک پہنچ گیا۔ پانی کی سطح خطرناک تیزی سے بلند ہو رہی تھی۔ یہاں سے باہر نکلنے کا واحد راستہ دروازہ تھا، اور یہی دروازہ تھا جس سے پانی کا طوفانی ریلا اندر داخل ہو رہا تھا۔ صرف 2-3 منٹ میں یہ ریلا تہخانے کو مکمل طور پر غرقاب کرنے والا تھا۔ صفیہ کو الٹی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ زخموں سے چور تھی۔ ایسے میں اگر وہ تیرنا جانتی بھی تھی تو نہیں تیر سکتی تھی۔ گہری تاریکی، پانی کا شور اور موت کے کھلے جبڑے، یہ 3 چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں اس تہخانے میں گھیر کر رکھا تھا۔ یہ آفات اتنی تیزی سے ٹوٹی تھی کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی ہمارے کندھوں تک پہنچ گیا۔ پھر میرا اور صفیہ کا جسم زینوں سے اٹھ گیا۔ ہم تیرنے یا ڈوبنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے امدادی کارکنوں کے مخصوص انداز میں صفیہ کے بازوؤں کے نیچے یوں ہاتھ ڈالا کہ صفیہ کا رخ تہخانے کی چھت کی طرف ہو گیا۔ اب میرا دایاں ہاتھ اور دونوں پاؤں آزاد تھے۔ میں نے تیرنا شروع کر دیا۔ میرے بائیں بازو نے صفیہ کو پانی پر سہارا دے رکھا تھا۔ صفیہ کی چیخیں کسی طور رکنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ بالکل مخبوط الحواس دکھائی دیتی تھی اور اپنے طور پر خود کو ڈوبنے سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی اور تہخانے میں موجود لکڑی کی اشیاء اور دیگر ہلکی پھلکی چیزیں ہمارے ارد گرد تیر رہی تھیں۔ ہمیں ایک ایسی تکلیف دہ موت کا سامنا تھا جس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہم پانی کے ساتھ ساتھ بلند ہو رہے تھے۔ چند لمحوں کی بات تھی کہ ہمارے سر تہخانے کی چھت سے چھونے والے تھے۔ پانی اور چھت کے درمیان وہ مختصر خلا جو ہمیں آکسیجن فراہم کر رہا تھا ختم ہونے والا تھا، اور پھر کچھ بھی باقی نہیں بچنا تھا۔ جو مر گیا اس کے لیے قیامت آ گئی، اور ہماری قیامت ہم سے چند بالشت کے فاصلے پر تھی۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو بدترین حالت میں بھی انسانی ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں موجود رہتی ہے۔ موت کی آخری ہچکی تک اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میں بھی آس اور امید سے رشتہ جوڑے ہوئے تھا۔ ایک بار ذہن میں یہ خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ سیلاب کا پانی چھت تک اونچا نہیں ہوگا، کسی وجہ سے اس کی بلندی ٹھہر جائے گی، یا پھر کوئی ہاتھ ہمیں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے گا اور یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ لیکن ان امید بھرے خیالات کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی۔ چند ہی لمحے بعد میرا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور مجھ پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ ہم چھت تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم پانی کی قبر میں تھے اور یہ قبر بند ہونے والی تھی۔ تیرنا ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے، خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی تیرتے ہیں، اور مجھے تو تیرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسانی جسم کو بھی سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے اور سانس لے سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ میں پورا منہ کھول کر بھرپور سانس لے رہا تھا، پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ غیر تسلی بخش سانس بھی بہت جلد مجھ سے بچھڑنے والی تھی۔
बेबसी और अजियत के वो लम्हे नाकाबले फरामोश थे। जब मेरा सर मुकम्मल तौर पर छत से लग गया तो मैंने थोड़ी ऊपर उठा ली ताकि छत और पानी के दरमियान जो मामूली सा खला बाकी रह गया था उसकी ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर सकूं। चंद लम्हे मजीद गुजरे और फिर पानी हमारे सरों से गुजर गया। छत और पानी का मिलाप हो चुका था। हम मुकम्मल तौर पर गर्काब हो गए थे। डूबते जहन के साथ मैंने सोचा, क्या ये इख्तिताम है? क्या ये जिंदगी के फिक्रे का फुल स्टॉप है? रंग वाली गांव की ये पुरपेच लाल कोठी और इस कोठी में ठाटे मारता हुआ सैलाबी पानी और इस सैलाबी पानी की गहराई में एक मनहूस तहखाना, क्या यह सब हमारी मौत का सामान है? मैंने तसव्वुर की आंख से देखा कि चंद रोज बाद एक चमकीली दोपहर को मोटर पंप के जरिए लाल कोठी में से पानी खींचा जा रहा है। इस तहखाने में से दो फूली हुई नाकाबले शनाख्त लाशें बरामद होती हैं। लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं, फिर ये लाशें ढाँप कर लाल कोठी के अहाते में रख दी जाती हैं। आह, क्या यही अंजाम था सफ़र का जो मैं आज तक करता रहा था? इंतहाई मायूसकुन ख्यालात के दौरान में ये ख्याल भी मेरे जहन में चमका कि दरवाजे की तरफ से आने वाले पानी में बहाव नहीं रहा। ज़ाहिर है कि तहखाना भर चुका था, अब बहाव बरकरार रह कैसे सकता था? यानी वो तूफ़ानी धारा अब थम चुका था जिसने मुझे और सफ़िया को बाहर जाने से रोका था। ये ख्याल आते ही मेरे डूबते जहन और शल होते हाथ पाँव में एक बर्की रौ जागी। मैंने अपने जिस्म की आखिरी रही सही तवानाई जमा की और अंदाजे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा बाया हाथ बदस्तूर सफ़िया के जिस्म से लिपटा हुआ था। सफ़िया मेरे साथ ही पानी में गर्क थी। ना जाने अब तक कितने लीटर पानी उसके पेट में और फेफड़ों में जा चुका था। वो ऐसे लम्हे थे जिनमें मुझे सफ़िया के वजूद का एहसास ही नहीं हो रहा था। यह भी पता नहीं था कि वो तड़प रही है, साकित है, उल्टी है या सीधी है, जिंदा है या मुर्दा। बस इतना मालूम था कि वो मेरे बाजू में है।